आप तमाम नाजरीन का टी एन टी वी न्यूज़ में इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। ताज दक्कन एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी महबूब नगर की जानिब से आज एस एम कॉन्वेंशन में ग्रुप इम्तहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की रहबरा के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत मोहम्मद सलीम नवाब सदर सोसाइटी ने की, जबकि बतौर मेहमान खसूसी मोहम्मद ख्वाजा डायरेक्टर बीसी स्टडी सर्कल हुकूमत तेलंगाना डॉक्टर खतीजा बेगम प्रिंसिपल एमएन जूनियर कॉलेज मस्जिद हसन ने शिरकत की, जबकि सोसाइटी के दिगर ओहदेदार ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा सैयद खलील मोहम्मद मकबूल अहमद सना सैयद जमील अहमद मोहम्मद मंजूर खान कोर्स कोऑर्डिनेटर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मोहम्मद ख्वाजा ने अपने मुनफरिद अंदाज में ग्रुप इम्तहानात की तैयारी सिलेबस और पर्चे के नमूने पर तफसीली रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में कम व बेश 500 तुलबा व तालिबात और सरपरस्तों ने शिरकत की। प्रोग्राम की निजामत मोहम्मद तकी हुसैन तकी ने की। प्रोग्राम के अख्ताम पर मोहम्मद मकबूल जॉइंट सेक्रेटरी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दिगर अराकीन सोसाइटी असलम मोहम्मद नईम सुबहानी पटेल मोहम्मद नज़ीर के अलावा खायदीन मोहम्मद मोहसिन खान हाफिज़ इदरीस सिराजी अहमद मोहम्मद इरफान मोहम्मद आसिफ मोहम्मद इमरान खान सालम बिन अफीफ अब्दुल खादर व दिगर मौजूद थे। आइए देखते हैं वहाँ के चंद झलकियाँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कोई तालिबे से मैं ख्वाहिश करता हूँ जो बहस पर का नाम ही महबूब नगर है, तो पेरेंट्स की तवज्जो ये चाहता हूँ कि इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ दूसरा सवाल कि इसमें इंटरमीडिएट पास कौन बने। इंटरमीडिएट ओके डिग्री डिग्री होल्डर्स ओनली टेंथ कोई। अलहमदिल्ला ताजे दक्कन एजुकेशनल कल्चरल सोसाइटी की जानिब से आज जो शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, इसमें हमने हमारे कोचिंग सेंटर पर जिन तलबा ने अपनी दरख्वास्त दर्ज करवाई थी उनके लिए शौर बेदारी प्रोग्राम रखा गया था जो 100 से ज्यादा थे, लेकिन अलहमदिल्ला 300 से ज्यादा की तादाद ने आज शिरकत की, जिसमें घरेलू खवातीन भी थी तालिबात थे तलबा थे। अलहमदिल्ला बड़ी कामयाबी के साथ आज का ये शौर बेदारी प्रोग्राम कामयाब हुआ और तलबा का फीडबैक भी हमें मिल चुका है, वो काफ़ी मसरत का इजहार करें इस प्रोग्राम से, वो चाह रहे हैं कि आंदा भी इस तरह के प्रोग्राम रखें। हम ताजे दक्कन सोसाइटी के जिम्मेदारान से हम ख्वाहिश करते हैं कि आगे भी इसी तरह हमारे कौम के नौजवानों की हिम्मत अफजाई करते रहें। और बहस मजमूरी मैं सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान बशमूल जनाब सलीम नवाब साहब सदर सोसाइटी और जनाब खलील अहमद साहब नायब सदर सोसाइटी अमर पाशा साहब जॉइंट सेक्रेटरी मकबूल साहब जॉइंट सेक्रेटरी अहमद सना साहब जॉइंट सेक्रेटरी और दीगर अराकीन नज़ीर अहमद साहब नज़ीर खान साहब और जो भी हमारे सोसाइटी के जिम्मेदार हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। शुक्रिया। इसमें जो जनाब खाजा साहब ने ये मोटिवेशन को बहुत ही खूब अच्छे अंदाज से मोटिवेट करा है, इसमें बहुत सारे तलबात और तालिबात आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि हमारी सोसाइटी की कोशिश है कि इसको आगे बढ़ाएं, हम फ्री कोचिंग देने की फिक्र में ये मोटिवेशन रखे थे, इसलिए पूरे जितने भी लोग आए थे सुनने के लिए सब मुतासिर हो गए हमारे ख्वाजा साहब को सुन के। फिर ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट की जा रही है कि फिर बार बार वो आए यहाँ पर, इनकी आरज़ू को पूरी करें। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरफ से इनकी जिद्दोजहद से इनकी मेहनत से हमारी कौम के लड़के और लड़कियों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया, तो हमारे लिए बायस मसरत है। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम हम मुनक़िद कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से प्रोग्राम बखूबी से ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इसको ले लीजिए ताकि